वेलकम टू एडविला पॉइंट। आज हम क्लास 12th मैथ में मिसलेनियस चैप्टर 3 का मिसलेनियस करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये मिसलेनियस। तो पहला क्वेश्चन इसका करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ये शो करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है एक मैट्रिक्स ए 0, 1, 0, 0 और आपको शो करना है कि ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा, ये क्वेश्चन यूज करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, 11th क्लास में है। ये क्या होता है, आपको n एक नेचुरल नंबर है तो n की हर वैल्यू तक आपको पता लगाना है कि भाई ये जो चीज है ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n हम एक लेके देखते हैं, अगर वो ट्रू होता है कि नहीं, दो लेके देखेंगे, इस तरह से हम इसको ट्रू करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं 4 n = 1, हमने n 1 ले लिया, तो यहां क्या आएगा आपका ए आई प्लस बी ए लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी पावर n यानी कि 1 हो गया, और राइट साइड आपका है a 1 हो जाएगा, n की जगह 1 रख दीजिए सीधे, यहाँ 1 आ गया, a की पावर 1 माइनस 1 b इंटू a। तो ये आ गया आपका a i, ये 0 हो जाएगा और किसी की भी पावर 0 जो है, ये a की पावर 0 आपका 1 होता है, तो ये सारा 1 हो गया और सीधे बचा b a। तो आप देखेंगे दोनों सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो देयरफॉर जो रिजल्ट है, जो आपको रिजल्ट प्रूफ करना है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम मान लेते हैं ये n इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूफ होगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि रिजल्ट जो है ट्रू है किसी एक लिमिट तक, तो वो लिमिट मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, वो k तक ये ट्रू है। तो अगर मैं एक स्टेप और आगे प्रूफ कर देती हूँ कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो समझ लीजिए सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। तो लेट तो हमें शो क्या करना है, टू शो हमें ये शो करना है कि जो ये रिजल्ट है ये ट्रू होगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए एक स्टेप आगे के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है a i, लेफ्ट लेंगे और राइट आना चाहिए, प्लस b a, n की जगह हो जाएगा k प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1। अच्छा, अब आपका जो ये रिजल्ट k के लिए ट्रू था, k के लिए ट्रू का मतलब ये होता है कि ए आई प्लस बी ए इसकी पावर के बराबर में ये होगा आपका, ठीक है, बराबर में आपका आएगा ये ए की पावर के आई प्लस के, एन की जगह सब जगह के रखिए, ए की पावर के माइनस वन बी ए, ये चीज ट्रू है, आपने मान के चल रहा है कि इस स्टेप तक ये ट्रू है और इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं आप इसमें। तब ए आई प्लस बी ए की होल की पावर के की वैल्यू है ये, पुट कीजिए ए के आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन बी ए और इंटू है आपका ए आई प्लस बी ए, पावर वन है वो हट जाएगी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, तो ये क्या आ गया आपका, क्या आया बताइए, ये आपका आ गया ए की पावर के प्लस वन, के और ए की पावर वन, और आई इंटू आई आई ही होता है
फिर इसी ए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट से, तो ये होगा ए की पावर के, फिर बी है और आई ए है, ठीक है। नो नेक्स्ट, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा के ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, ठीक है। और साथ में क्या है, ए की पावर ये ऐड हो गए ना मल्टी, ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, तो के माइनस वन प्लस वन हो गया इंटू बी और ए आई है। फिर प्लस में इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, के ए की पावर के माइनस वन, और बी कितना हो गया बी स्क्वायर, और ए होता है ए स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे, ये तो वन, ये इससे कट गया पावर माइनस वन प्लस वन, तो ये चीज आपकी कॉमन है। यहां पर आप क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर के कट डाउन हो गया, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये माइनस वन है, वन प्लस वन है तो ये कट गया, ठीक है। तो आपके पास आया क्या, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, यहां से आपका कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, अब देखिए ए की के कॉमन आ रहा है, बी कॉमन है, आई कॉमन है और ए कॉमन, यानी के प्लस वन बचेगा यहाँ पे, और जो बाहर आ रहा है कॉमन में ए की पावर के बी आई ए बचेगा, और आई आप आइडेंटिटी है, मर्जी आप लिखिए चाहे ना लिखिए बी ए। अच्छा, प्लस प्लस में आपका ये बचता है, अब ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, जो ए आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए स्क्वायर निकाले यहाँ से, तो आप देखेंगे कि जो ए स्क्वायर है वो जीरो आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा जीरो है, सॉल्व करके देखिएगा ये जीरो आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। और आप ये देखिए कि अब आपका सेम का सेम ये आ गया मैथमेटिकल रिलेशन, ए के प्लस वन आई, फिर यहाँ के प्लस वन है, ए की पावर के प्लस वन माइनस वन, यानी ए की के बचता है इंटू बी इंटू ए, तो इसका मतलब रिजल्ट ट्रू हो गया के प्लस वन के लिए, तो रिजल्ट जो है किसी भी नेचुरल नंबर तक के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मिसलेनियस से क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जरूर करिए इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको ठीक इसी तरह का मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना है, आपको ए दे रखा है और ए की एन एन नेचुरल नंबर है, इसके लिए प्रूफ करना है, तो हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रूफ करते जाएंगे कि वन के लिए अगर ये ट्रू है तो हम वही के लिए मान के चलेंगे, और फिर के प्लस वन के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं, तो फोर एन इक्वल टू वन, एन हमारा वन है, तो यानी ए की पावर वन हो जाएगा, यानी हो जाएगा थ्री की पावर वन माइनस वन, थ्री की पावर वन माइनस वन, थ्री की पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, सारे पावर में ये इस तरह से आ गया, एन की जगह हमने वन रख दिया, तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। और ये थ्री की पावर जीरो होता है, और किसी की भी पावर जीरो जो है आपका थ्री की पावर जीरो क्या आएगा, वन आएगा, वन 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 वन, और ये आपका मैट्रिक्स ए आ गया, तो इसका मतलब ये रिजल्ट जो है ट्रू है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। तो हम मान के चलते हैं कि रिजल्ट जो है ट्रू है एन इक्वल टू के तक, किसी न किसी स्टेप तक के लिए ट्रू है। के लिए ट्रू का मतलब क्या होगा, के लिए ट्रू का मतलब ये है कि ए की पावर के इक्वल टू होगा थ्री की के माइनस वन, थ्री की के माइनस वन, थ्री की के माइनस वन, सेम यहाँ यहाँ भी ए सेम है, तो ये चीज हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें शो क्या करना है, टू शो करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है, अगर एक स्टेप आगे के लिए ट्रू हो जाएगा तो समझ ले फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू हो जाएगा। लेफ्ट लेके चलते हैं, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है ए की पावर के प्लस वन, ये होगा ए की पावर के इंटू ए,
और ए की पावर के की वैल्यू है, जो वैल्यू है वहां रखिए, 3 की k-1, 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 और यहाँ यहाँ सेम चीज है इनटू ए। और ए आपका क्या है, 1 1 1 वाला है, 3/3, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपके पास है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सेम आने वाला है। तो ये पहला पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k-1 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 की पावर k-1, फिर तीसरा एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 की पावर k-1। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ आएगा 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1। अब चेक कर लीजिए सेकंड रो और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने किया, अब इसी फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये भी यही आ रहा है। फर्स्ट वाला फर्स्ट से कीजिए, 3 की k-1, सेकंड सेकंड से कीजिए, प्लस 3 की k-1 और 3 टू द पावर k-1। डिट्टो यही चीज आपकी सेम यहाँ और यहाँ और यहाँ आ रही है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी सेम आ रही है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये 3 बार है, क्योंकि यहां जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा ऊपर रब कर देते हैं। हम ये देखेंगे कि ये 3 बार है सेम चीज, तो अगर इसको कॉमन ले लिया जाए तो 1 + 1 + 1 कॉमन हो जाता है, तो यानी आपका आ जाएगा ये सीधे 3, 1 + 1 + 1 3 होता है, 3 × 3 की पावर k-1। अगला भी यही होगा, 3 × 3 की पावर k-1, फिर नेक्स्ट भी यही होगा, 3 × 3 की पावर k-1, यहां भी यही सेम चीज है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये बेस सेम है, इसको बेस सेम बोलते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k, ये 1 पावर है, k+1 - 1, यहाँ भी वही होगा, 3 की पावर k+1 - 1, 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 और ये आपका सेम सारा आ रहा है, यहाँ भी सेम है। तो आप देखिए कि रिजल्ट ट्रू हो गया, रिजल्ट ट्रू हो गया, देयरफॉर द रिजल्ट आप लिखेंगे इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई थिंक सेम हो जाए, थर्ड हो जाएगा आपसे, आप लोगों से देखिए कि इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला है वही गया है कि एक ही एन के लिए पता लगाना है, और ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर उसी को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कह रहा है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। क्वेश्चन 4, आपको गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यही गिवन है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, जिसके हम यूज कर सकते हैं। अब हमें शो क्या करना है, टू शो हमें शो करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो भी बोला गया है उसका ट्रांसपोज नेगेटिव आना चाहिए, ए बी माइनस बी, यही है ना, ये चीज है, इसका ट्रांसपोज माइनस में,
ये हमें शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट लेके चलते हैं, राइट अपने आप आएगा। सॉल्यूशन, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, और एडिशन में लॉ है ना कि अगर ए ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है तो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस वाले में वही रूल अप्लाई होगा। तो ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज हो जाएगा और इसका भी ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। रूल आपको कौन सा लगा है? एडिशन वाला लगा है कि ए या माइनस बोल लीजिए ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये रूल आपका अप्लाई हुआ है। हर रूल लिखना पड़ेगा कि क्यों आया ये, आखिर ये चीज कैसे आई। नाउ अब ए इंटू बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमने रूल अप्लाई हमने किया था कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रूल अप्लाई हो रहा है दोनों पे। अब फ्रॉम वन आप देखेंगे कि फ्रॉम वन ए ट्रांसपोज की जगह आप ए ले सकते हो और बी की जगह बी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये ए और ये बी। अब यहां से स्टार्ट कीजिए, ये दोनों देखिए सेम है, बस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज ये नेगेटिव आ गया जो हमें शो करना था, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नाउ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, ये कह रहा है कि शो दैट कि मैट्रिक्स बी डैश ए बी मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक कब शो होगा? जब ए सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी हमें गिवन है ए और शो करना है इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हमें गिवन है दो कंडीशन गिवन है कि पहली कंडीशन है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस क्यू का, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही मतलब है ना, इसका मीनिंग बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखिए। तो हमें शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब कि आपको शो क्या करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी जिसको सिमेट्रिक बोला गया उसका ट्रांसपोज वही संख्या आनी चाहिए, यानी ये आनी चाहिए यही बी ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए, हमें शो करना है। पता चलेगा हमें क्या शो करना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लेफ्ट लेके चलते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज नियम, इसको ये एक एक में ले लेते हैं बी ट्रांसपोज ए बी और पूरे को, ठीक है। अब बाय जो भी ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोज लॉ क्या होता है कि सबसे पहले ये आएगा ए बी ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये नियम है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यही अप्लाई हुआ है। नाउ इसमें फिर से वही अप्लाई होगा सेम रूल, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेम ये अप्लाई होगा, एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बी होता है। अब ए ट्रांसपोज क्योंकि ए है फ्रॉम वन, ए ट्रांसपोज ए है तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, और आप ये देखिए सॉल्यूशन आ गया, तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा अब इसका उल्टा कह रहा है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि ये ए ट्रांसपोज नेगेटिव आएगा, तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम यहां चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें ये भी शो करना है कि ये भी स्क्यू होगा, सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सारा स्टेप ठीक है, ये भी स्टेप ठीक है, यहां पे आते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है माइनस ए आएगा, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं समझ में आएगा।
बाकी सारा तो ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज माइनस ए आएगा, ये है वैल्यू फ्रॉम वन, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, क्या आएगा माइनस आगे आ जाएगा, तो बनेगा बी ट्रांसपोज ए बी। तो इसका मतलब कि अगर ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, इजी लगा होगा, ठीक है। एक ही पार्ट, एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है उसके अंदर। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है और आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है बराबर में 0। तीन मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और बराबर में 0 रखना है। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वेशन है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई है। तो चलिए इसको करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है 0 टू आई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये आपको दे रखा है। अब इसका ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, पहली रो पहला कॉलम बनेगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम है ये वाली, और तीसरी रो तीसरा कॉलम है, बन गई। अब आपके पास कंडीशन है, क्या गिवन है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले ए ट्रांसपोज लिखिए 0 0 एक्स एक्स टू आई, चल नहीं रहा इससे रेड से ही कर लेते हैं, टू आई तो सॉरी 0 एक्स एक्स हो गया, टू आई वाई माइनस वाई उसके बाद ये भी सही रेड से लिख देते हैं 0 एक्स जेड माइनस जेड जेड, ये है ए ट्रांसपोज की वैल्यू। और ए की वैल्यू रखिए 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड और इनटू है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि फर्स्ट रो को जो हम करते आ रहे हैं अब तक, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, पहले इसकी बारी है। 0 को 0 से कीजिए, यहाँ पे आएगा 0, फिर x को x से कीजिए एक्स स्क्वायर, फिर इस x को x से कीजिए एक्स स्क्वायर, हो गया। नाउ नेक्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट रो है 0 इंटू टू वाई 0 एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, फिर है थर्ड की बारी 0, फिर ये है माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ठीक है। सेकंड कॉलम की बारी, सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 आ गया, वाई को एक्स से कीजिए एक्स वाई आ गया और ये हो गया माइनस एक्स वाई। सेकंड कॉलम की बारी, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थर्ड से थर्ड को करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसको थर्ड, अब थर्ड रो की बारी, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलेगा, जेड को जीरो से कीजिए 0, यह आ गया माइनस जेड एक्स, अब इसको इससे करेंगे प्लस का जेड एक्स। नाउ सेकंड इसको कीजिए टू वाई जेड, फिर इसको कीजिए माइनस जेड वाई और ये है माइनस जेड वाई। नाउ नेक्स्ट जेड को जेड से कीजिए जेड स्क्वायर, फिर ये है माइनस और माइनस प्लस का जेड स्क्वायर और ये भी प्लस का जेड स्क्वायर, ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू आपका वही है 1000010001, ये आपका आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका 2
एक्स स्क्वायर, और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ तो जीरो और जीरो आ गए, ये भी कट गया, टू ये वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर टू थ्री फोर, ठीक है, तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ आपका जीरो आ गया और यहाँ आ गया फोर वाई स्क्वायर। एक मिनट, ये वाला था ना, ये टू टू जब फोर होगा यहाँ पे, हाँ टू टू जब फोर वाई स्क्वायर ठीक है, तब यहाँ आएगा आपका सिक्स, ठीक है। और ये से अब ये दोनों दो हो गए और ये इससे कट डाउन हो गया, कट डाउन, ये भी कट गया इससे, आप देखेंगे ये भी दो हो गए, इससे कट जाएंगे, बचेगा ये, तो यहाँ जीरो आ गया, जीरो जीरो, और यहाँ आएगा वन टू थ्री जेड स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब इक्वेटिंग करेंगे क्योंकि इक्वल है ये, तो पहला वाला अब देखिए सारे जीरो हैं, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट में वन बाय टू। ठीक वैसे ही सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन होगा, सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर इक्वल वन बाय सिक्स, तो वाई इक्वल टू हो जाएगी प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स। ठीक वैसे ही जेड की वैल्यू है थ्री जेड स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, जेड स्क्वायर इक्वल टू वन बाय थ्री, और जेड इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री। तो ये आपके तीन आंसर आ गए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन जो हम करने जा रहे थे अभी, ये तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल जीरो दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, वन टू वन, इजी है ये, वन टू जीरो, टू जीरो वन, वन जीरो टू, और यहाँ है जीरो टू एक्स, और ये इक्वल टू है जीरो वैल्यू है। चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट, ये फर्स्ट एक ही रो है, एक एक करके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो पहला इसको इससे करेंगे तो ये आएगा वन, फिर प्लस टू टू जा फोर प्लस वन, नाउ सेकेंड रो की बारी, टू वन जा टू प्लस जीरो और प्लस जीरो, ठीक है। नाउ थर्ड रो की, थर्ड कॉलम की बारी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको कीजिए जीरो, टू वन जा टू प्लस टू, हो गया, तो आप देखेंगे कि एक ही आ गया और आपके पास है ये जीरो टू एक्स इक्वल टू जीरो, ये आया फाइव सिक्स सिक्स टू फोर और जीरो टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब मल्टीप्लाई कीजिए, पहला वाला पहले से होगा जीरो प्लस फोर प्लस ये आपका क्या है एक्स है फोर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसको ये तो एक आ गया, तो इस सीधे से हो गया ये कि भाई फोर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो है, तो फोर एक्स की वैल्यू माइनस फोर इधर चला जाएगा, ये एक्स इक्वल टू माइनस फोर बाय फोर, एक्स इक्वल टू माइनस वन आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सात तक किए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन एट ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, और नाइन से लेकर फिफ्टीन तक अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।